बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे पालक पकौड़ा। पालक पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है पालक, जिसे धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है और कट कर लिया है। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन, अजवाइन, नमक, हल्दी, चाट मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल, 1 कप कटी हुई पालक, 1 हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, नमक, हल्दी और चाट मसाला पाउडर। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जितनी ज़रूरत है उतना बेसन डालकर इसे बैटर बना लेंगे। बेसन और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गून सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने तेल चढ़ा दिया है, तेल हमारा हो रहा है गरम। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को जब तक गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए हम इसे ऐसे तरीके से फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी सब फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, हम इसे भी निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे बनकर के तैयार है। पालक पकौड़ा हमारा बनकर के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।